VCM की टर्म यूज करके, एनर्जी की इक्वेशन में VCM की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, तो अपन को मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ रही है। और ये बात भी समझने की कोशिश करी थी, मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये वाला हिस्सा ही अवेलेबल है छेड़छाड़ करने के लिए, वाला हिस्सा अवेलेबल नहीं है। ओके, इससे बहुत सारी चीजें एनर्जी कंजर्वेशन में आगे हमें सीखने को मिल सकती है। तो तीन चीजें बाकी है मोमेंटम में पढ़ाने को, एक इम्पल्स, फिर कोलिजन, एक कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है जो मैंने पूरा ही अवॉइड किया हुआ है। पंजाबी था ऐसे ही माँ बाप ने बिग को बना दिया होगा। हेलो,